नमस्कार, खबरें अभी तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्चना कौशल। हमारे आज के खास कार्यक्रम भाग्य चक्र में आपका स्वागत है और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है आचार्य सतीश जोशी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम भाग्य चक्र में। तो हमारे खास कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे आज के पंचांग से। जानते हैं आज का पंचांग क्या कहता है। आज 29 नवम्बर वीरवार मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है, जो सायं 6:38 तक चलेगी। उसके बाद अष्टमी तिथि लग जाएगी। आज मघा नक्षत्र है, गंडमूल नक्षत्र है। आज जिन बच्चों का जन्म होगा उनके गंडमूल की पूजा लगेगी और आज जिन बच्चों का जन्म होगा उनके जन्म का पहला अक्षर होगा माँ, मे, मी और मु। आज इंद्र योग है, बहुत ही अच्छा योग है। और आज चंद्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। आज का जो राहु काल रहेगा वो रहेगा 11:47 से लेकर 1:18 तक। आज विशेष रूप से भैरव अष्टमी भी है। भैरव महाराज की नाना प्रकार से पूजा की जाती है और शत्रु विनाश के लिए भैरव का उपाय करना चाहिए। भैरव के वाहन कुत्ता है, तो कुत्ते की आज किसी प्रकार से सेवा करनी चाहिए, दूध से, खाने से, मिष्ठान से। उससे भैरव महाराज प्रसन्न होते हैं और मनोकामना पूरी होती है। ये तो जाना आज का पंचांग। आइए नजर डालते हैं आज के राशिफल पे। आज मेष राशि वाले परिजनों के साथ उग्र वाद विवाद होने से कष्ट होगा। निरर्थक खर्च से बचें, मन चिंताग्रस्त रह सकता है। प्रवास पर्यटन न करने की गणेश जी सलाह देते हैं। शारीरिक और मानसिक आरोग्य अच्छा रहेगा। बौद्धिक चर्चा से दूर रहिए। वृक्ष राशि वाले कार्य में सफलता मिलेगी। प्रतिस्पर्धियों पर आप विजय प्राप्त कर सकेंगे। सामाजिक दृष्टि से आपको मान सम्मान मिलेगा। दोपहर बाद झगड़े का वातावरण बना रहेगा। सामाजिक क्षेत्र में आपकी मान हानि न हो इसका ख्याल रखें। मिथुन राशि के जातक प्रातःकाल मन क्रोधित रहेगा। शारीरिक और मानसिक रूप से व्यग्रता का अनुभव हो सकता है। व्यर्थ धन का व्यय होगा। विद्यार्थियों को अपेक्षित परिणाम नहीं मिलेंगे और आर्थिक लाभ होगा। भाग्य वृद्धि के प्रसंग बनेंगे। कर्क राशि वाले जातक आज आप कुछ अधिक ही संवेदनशील रहेंगे। स्नेही जनों और मित्रों से भेंट होगी। दोपहर बाद परिजनों के साथ बोलबाल में उग्रता आ जाने से आपका मन व्यथित होने की संभावना है। क्रोध पर संयम रखें। सिंह राशि के जातक आज वाणी और वर्ताव में पूर्ण संयम रखना पड़ेगा। आमदनी की अपेक्षा व्यय अधिक रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें। दोपहर बाद का समय आपके लिए अनुकूल हो जाएगा। आप नए कार्यों का प्रारंभ कर सकेंगे और आर्थिक लाभ भी होगा। कन्या राशि के जातक व्यवसायिक क्षेत्र में लाभ होगा। सहकर्मियों से पूर्ण सहयोग मिलेगा। मित्र वर्ग के लिए जो व्यय होगा वह लाभप्रद रहेगा। प्रवास या पर्यटन भी हो सकता है। दोपहर बाद आपका मन अनिश्चितता से उलझा रहेगा। आय की तुलना में व्यय अधिक रहेगा। तुला राशि के जातक आज का दिन आपके लिए शुभ है। विभिन्न क्षेत्रों में लाभ मिल सकता है। अधिकारियों की तरफ से आपको प्रोत्साहन मिलेगा। पदोन्नति के योग भी हैं। प्रिय पात्र या मित्रों के साथ मुलाकात होगी। आरोग्य अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि के जातक धार्मिक यात्रा और देव दर्शन का लाभ आपको मिल सकता है। विविध क्षेत्रों में लाभ मिलने की संभावनाएं हैं। विदेश गमन के लिए परिस्थिति अनुकूल होगी। अधिकारियों को आपके कार्य से प्रसन्नता हो सकती है। प्रिय पात्र और मित्रों से भी भेंट होगी।
धनु राशि के जातक आज क्रोध पर संयम बनाए रखें, परिजनों से विवाद बिल्कुल न करें। दोपहर बाद आपकी शारीरिक और मानसिक स्थिति में सुधार होने की संभावना है। पारिवारिक कठिनाइयों भी कम होगी। मित्रों के साथ भेंट होने से आनंद होगा। भाग्य वृद्धि के प्रसंग बनेंगे। मकर राशि के जातक आज साझेदारी के व्यापार से आपको लाभ होगा, लेकिन दोपहर बाद आपके लिए समय प्रतिकूल है। शारीरिक और मानसिक रूप से आप अस्वस्थ महसूस कर सकते हैं। नकारात्मक विचारों से आपका मन व्यग्र रहेगा। कुंभ राशि के जातक का आज का दिन पूर्ण रूप से शुभ फलदायी होगा, ऐसा गणेश जी कहते हैं। व्यवसाय करने वालों के लिए दिन अनुकूल रहेगा। शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। मनोरंजक प्रवृत्ति में आप व्यस्त रहेंगे। मीन राशि के जातक आज थोड़ा स्वास्थ्य नरम रहेगा। किसी कारणवश अचानक धन खर्च होगा। दोपहर बाद घर में आनंद और शांति का वातावरण बनेगा। कार्य में यश कीर्ति मिलेगी। परिजनों के साथ आनंद पूर्वक बिताएंगे समय। व्यवसायिक क्षेत्र में भी लाभ की संभावना है। तो आज का राशिफल आचार्य जी से हमने जाना कि आज आपकी दिनचर्या कैसी रहने वाली है और क्या आपके लिए सही कार्य रहेंगे और क्या कार्य सही नहीं रहेंगे। तो पहले दर्शक हमारे साथ परमिंदर कौर जुड़ चुके हैं अंबाला से। परमिंदर कौर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। पूछिए, आप आचार्य जी से क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार पंडित जी, खुश रहो। हाँ जी बोलिए। परमिंदर कौर, आप कार्यक्रम में जुड़ चुकी हैं। हाँ जी बोलिए, खुश रहो। पंडित जी, मैंने अपने भाई के बारे में पूछना था। बोलिए बोलिए। उनका नाम अमित सिंह है। डेट ऑफ बर्थ? हाँ जी, 15 जून को उनकी डेट ऑफ बर्थ, रात को 1 बजे। 1900 अमित सिंह है उनका नाम। हाँ जी, आपने सन नहीं बताया। 15 जून 1900। वो बाहर जा रहे हैं, उनकी यात्रा कैसी रहेगी? आप डेट दोबारा बताइए। 1996। ठीक, बहुत बढ़िया। 1996, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया है। विदेश यात्रा अच्छी रहेगी उनके। थोड़ा मन आप लोगों से लगाव ज़्यादा है, थोड़ा सा महसूस करेंगे, यानी आपको मिस करेंगे, आपके परिवार को मिस करेंगे। परंतु 3 महीने बाद उनका दिन लगना शुरू हो जाएगा और उनका कैरियर की शुरुआत विदेश में ही है। 3 महीने के बाद उनका मन लगने लग जाएगा और इनकम के सोर्स भी धीरे धीरे बनने लग जाएंगे। तो उनकी यात्रा मंगलमय रहेगी और अच्छा रहेगा। जो डिसीजन ले रहे हैं आप, ये बहुत ही अच्छा ले रहे हैं और 3 महीने बाद उनको आनंद महसूस होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया परमिंदर कौर जी आपका हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो आचार्य जी ने जैसे कि बताया, आपके भाई 3 महीने बाद एक अच्छी तरक्की और अच्छे मुकाम पर होंगे। तो आचार्य जी, जैसे कि हमने अभी देखा, परमिंदर कौर ने कहा कि विदेश उनके भाई जाना चाह रहे हैं। आज की युवा पीढ़ी में विदेश की ओर रुख ज्यादा है, ऐसा क्यों है आचार्य जी? बिल्कुल, देखिए तरक्की के कई कारण हो सकते हैं जी। ये नहीं है यहाँ पे तरक्की नहीं होती या यहाँ पे पैसा नहीं है, यहाँ भी सब कुछ है जी। परंतु कहते हैं पूर्व जन्मों के कर्मों से होरोस्कोप बनता है जी। पुराने जमाने में कोई इच्छाएं होती हैं वो अधूरी रह जाती हैं, तो इस जन्म में वो होरोस्कोप के रूप में, ग्रहों के रूप में हमें भोगनी पड़ती है जी। सबसे ज्यादा है जिसकी होरोस्कोप में चतुर्थ भाव पीड़ित होगा, यानी घर से दूर जी। क्योंकि विदेश, पुराने जमाने में हम देश निकाला बोलते थे, बहुत ही अशुभ मानते थे किसी को अपने घर से निकालना, अपने गांव से दूर भेजना, ये एक सजा होती थी। परंतु वातावरण बदल गया है, कलयुग आ गया है, तो आज विदेश को बहुत अच्छा मानते हैं। जिसका चतुर्थ भाव में पाप ग्रह होंगे या सेपरेटिव प्लैनेट होंगे, वो अपने घर से दूर जाएगा ही जाएगा, एक ऐसा योग बनता है। अगर नहीं जाएगा तो उसकी तरक्की नहीं होगी, प्रोग्रेस नहीं होगी। हम बहुत से होरोस्कोप देखते हैं, हम कहते हैं जन्म स्थान से दूर जाएगा तभी आपका भाग्य उदय होगा। तो कुछ योग हैं उसके कारण बच्चा प्रेरित होता है और वो जो योग अपना काम कर जाते हैं और विदेश में चले जाते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा तरक्की होती है।
कुछ ऐसे योग हैं जो विदेश में उनका योग बनता ही नहीं, सब कुछ है, पैसा है, रिश्तेदार है विदेश में, परंतु उनका विदेश में सेटल होने का कोई योग नहीं बनता, क्योंकि उनके ऐसा योग ही नहीं। चतुर्थ भाव में चंद्रमा है या जो राशि है उसका स्वामी बैठा है, तो आदमी वो विदेश जा ही नहीं सकता, जाता है तो फौरन वापिस आ जाता है, क्योंकि उसकी तरक्की जन्म स्थान के आसपास ही होती है। तो अगली दर्शक अनु हमारे साथ फतेहाबाद से जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है अनु आपका हमारे खास कार्यक्रम में। पूछिए आप आचार्य जी से क्या पूछना चाहते हैं। नमस्कार आचार्य जी, आपको भी नमस्कार। नमस्कार मैडम। हाँ जी, मैं अपने बच्चे के भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ शास्त्री जी। बोलिए बोलिए। उसका जन्म है 27 अगस्त 2003 शाम 6:30 बजे बुधवार दिन अमावस भाद्रपद की अमावस को। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी तो बच्चा छोटा ही है आपका, 9th में पढ़ता होगा। हाँ जी। हाँ बिल्कुल अच्छा रहेगा, थोड़ा इसको मेहनत करो, आप मेहनत की थोड़ी कमी लग रही है, ट्यूशन वगैरह लगाओ इसको, और बच्चा अच्छी तरक्की करेगा। थोड़ा सा मेहनत की जरूरत है, क्योंकि इसका जो पढ़ाई वाले घर में ना शनि बैठे हैं, शनि और राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो इसलिए कहते हैं जितनी ज़्यादा मेहनत करेगा उतना ही ज़्यादा कामयाब होगा, जितना अपने लक्ष्य को टारगेट करेगा उतना ही ज़्यादा कामयाब होगा। तो मेहनत करेंगे तो इसके अच्छे नंबर आएंगे प्लस टू में, और अच्छा तरक्की होगी इसकी। मेहनत की कमी मत होने दीजिए, और इसको कहिए बेड पे बैठ के कभी पढ़ाई नहीं करनी, पढ़ाई करनी है नीचे बैठ के और सूरज की तरफ मुंह करके पढ़ाई करनी है, ताकि इसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आए और सुस्ती ना आए। जी बहुत बहुत शुक्रिया अनु आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो जैसे आचार्य जी ने बताया कि मेहनत की कहीं थोड़ी बहुत कमी है, तो यदि मेहनत वो करेगा तो तरक्की ज़रूर हासिल होगी। तो आचार्य जी वही बात है जो कि हम आए दिन अपने दर्शकों से बातें करते रहते हैं, और कहीं ना कहीं एक तो रुख रहता है यही कि नौकरियाँ नहीं मिल रही या विवाह नहीं हो रहे, यही कारण रहते हैं। तो क्या कारण है आचार्य जी, जैसे कि मेहनत भी करते हैं, पूरी पढ़ाई भी कर ली, लेकिन कहीं ना कहीं नौकरी में विलम्ब रहता है? बिल्कुल देखिए, कुछ ऐसे योग होते हैं, किसी को जाना होता है गवर्नमेंट सर्विस में, वो गवर्नमेंट सर्विस ट्राई नहीं करता, और किसी के भाग्य में सरकारी सर्विस है ही नहीं, वो सरकारी सर्विस की तरफ भागदौड़ करता रहता है। तो योग के बिना पहले योग जानिए, आप यहाँ पे फ़ोन कीजिए, आपका योग पता होना चाहिए, आपको क्या योग है, सरकारी में है नहीं है, विदेश में है। कई बार भाग्य होता है विदेश में, परंतु बच्चा यहीं कोशिश करता रहता है तो उसके काम नहीं बनते। तो सबसे पहले आप योग समझिए अपनी होरोस्कोप में भी क्या योग है हमारा, सरकारी सर्विस का है, विदेश का है, दूर स्थानों का है। योग के बाद कोशिश करेंगे तो उनको कामयाबी 100% मिलेगी। अच्छा जी, इसी बीच हमारे दर्शक शुभम हमारे साथ मेरठ से जुड़ गए हैं। शुभम बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप। हाँ मैम नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। खुश रहो खुश रहो। हाँ गुरु जी, मैं पूछना चाहता हूँ, काफी दिनों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ पर असफलता मिल रही है सर। डेट ऑफ बर्थ बोलिए। 020292 020292 यस। टाइम टाइम मॉर्निंग 4 AM देखिए, जैसे हमने अभी कहा कि कई बार योग नहीं होते या योग बहुत कम होते हैं, आपका प्राइवेट सेक्टर में अच्छा योग बन रहा है, पर सरकारी गवर्नमेंट सर्विस में आपका, क्योंकि सरकारी में सर्विस के लिए सूर्य देखना पड़ता है, बृहस्पति देखना पड़ता है, और 11th 11th घर में कौन सा ग्रह है, तो सरकारी के लिए आप प्रयास की बजाय प्राइवेट सेक्टर में अगर जाएंगे तो जल्दी तरक्की हो जाएगी, और प्राइवेट सेक्टर में आपके 2-3 महीने के अंदर अंदर सर्विस लग जाएगी। सरकारी में फिलहाल योग नहीं बन रहे, चाहे जो सूर्य प्रबल होगा वो होगा 2021 में, तब आपकी सरकारी सर्विस मिल सकती है। तब तक आप मेरे हिसाब से प्राइवेट सेक्टर में काम कीजिए, तरक्की होगी, और अच्छे हैं आप, मेहनती हैं और आपके बुद्धिमान भी हैं, तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर में आपका सम्मान होगा और तरक्की होगी आपकी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका शुभम जुड़ने के लिए। तो आचार्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे खास कार्यक्रम भाग्य चक्र में। तो आज के लिए इतना ही।